नमस्कार। आज है संडे और हर संडे को मैं आपके लिए अध्यात्म का विषय लेके आता हूं। आज अपन बात करेंगे बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती को पीली वस्तुएं क्यों चढ़ाई जाती, पीला रंग मां सरस्वती को क्यों अच्छा लगता है, इसके बारे में आज अपन बात करेंगे। माघ मास के शुक्ल पक्ष के पंचम तिथि को मां सरस्वती का पूजन किया जाता है। यह दिन विद्यार्थियों और संगीत प्रेमियों के लिए विशेष दिन होता है। इस दिन विद्यार्थी मां सरस्वती का पूजन करते हैं और पीली वस्तुएं मां सरस्वती को चढ़ाते हैं, और जो संगीत प्रेमी होते हैं वो भी मां सरस्वती का पूजन करते हैं और पीली वस्तुएं मां सरस्वती को चढ़ाते हैं। पीला रंग सादगी और सात्विकता का प्रतीक माना जाता है। इस माह में चारों तरफ प्रकृति पीला रंग ओढ़े हुए नजर आती है। चारों तरफ पेड़ पौधों पर नई पत्तियां फूटती हैं, नई कोमलें निकलती हैं, और आप देखा होगा चारों तरफ सरसों के खेत होते हैं, पीले पीले फूल इस माह में आते हैं। चारों तरफ ऐसे लगता है जैसे धरती ने पीला श्रृंगार किया गया हो, चारों तरफ आपको पीला ही पीला नजर आएगा। इसीलिए इस वक्त प्रकृति एक श्रृंगार किया हुआ हो पीला रंग का वो नजर आता है। इसलिए माँ सरस्वती को पीली वस्तुएं पीली चीजें बहुत ही प्रिय होती है। पीला रंग ज्ञान उत्साह उमंग एनर्जी का प्रतीक माना गया है। यह आशावाद का एक प्रतीक माना गया है। इसमें एक नया आशा का संचार पैदा होता है। पीला रंग नकारात्मकता को दूर करता है और दिमाग में सकारात्मकता पैदा करता है। इसीलिए पीला रंग मां सरस्वती को बहुत ही प्रिय है और उस दिन मां सरस्वती को पीले रंग की वस्तुएं पीले रंग के फूल और पीले रंग के फल मां सरस्वती को चढ़ाए जाते हैं। इसीलिए मां सरस्वती को पीला रंग बहुत ही प्रिय होता है। इसी के साथ आज यही मेरा वीडियो आपको पसंद आए लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे।